तो चलो गैस फाइनली लूफी के गेर फाइव का एपिसोड आ चुका है इसको देखने के बाद में बहुत सारे लोगों के मिक्स रिएक्शन आए हैं क्योंकि बहुत टाइम से पूरे इंटरनेट पे बस लुपी के गेर फाई की बातें चल रही थी सबको लग रहा था कि लुपी का गेयर फाई को ज्यादा बेडस होने वाला है इसलिए जिसने अपने पूरे जिंदगी में वन पीस देखा भी नहीं था ऐसे ऐसे बंदे वन पीस आज देख रहे थे और ऐसी चक्कर में जितने सारे एनिमे के साइड थी उसकी सर एकदम से बंद हो गई थी उनके सर्वर तो काम ही नहीं कर रहे थे अच्छा हो कि एपिसोड की डाउनलोडिंग मुझे मिल चुकी थी वरना इतना वेट करने के बाद भी मैं एपिसोड देख नहीं पाता इस वाले एपिसोड से बहुत सारे लोगों ने कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली थी सबको लग रहा था की यहाँ पर पहले एपिसोड में बहुत सारी फाइट देखने को मिल जाएगी क्यूँकी जिन लोगों ने मांगा बड़ा उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि अगले आने वाले एपिसोड में क्या क्या चीजें होने वाली है ये वाला एपिसोड तो बस एक इंट्रोडक्शन चैप्टर की तरह था कि इस वाले एपिसोड के अंदर हमको बस लुफी के गेर फाइव से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जा पर फाइव एल्डर्स हमको लुफी के गेर फाइव के पावर्स के बारे में बता रहे थे अगर आपने एपिसोड ध्यान से देखा होगा तो आपको इस वाले पावर्स के बारे में पता चल ही गया होगा एपिसोड के अंदर फाइव एल्डर्स बोल रहे होते कि जो लुफी के जो पावर्स है ना वो बाकी पावर्स काफी ज्यादा अलग है वो मोस्ट रेडिकुलस पावर्स इन द वर्ल्ड है जिसके अंदर हमें कोई बैडस फाइट दिखाई नहीं जाएगी जहा पर लुफी एकदम सीरियस होकर बाकी कैरेक्टर्स की

क्योंकि आज से डेढ़ साल पहले जब वन पीस के गेर फाइव वाले चैप्टर रिलीज हो रहे थे तभी ओडा सेंसी ने बोल दिया था कि आगे आने वाले चैप्टर के अंदर हमको कुछ ज्यादा अलग फाइट देखने को मिलने वाले जहां पर उन्होंने टॉम एंड जेरी से इस वाली फाइट का इंस्पिरेशन लिया है और जॉय बॉय की भी तो वही बोलती ना जब जॉय आठ सौ सालों के बाद में इस वाले वर्ड के अंदर वापस आएगा तब उसके चेहरे पर एक अस्सी रहेगी और पूरे के पूरे वर्ल्ड को हंसाएगा और सारे के सारे लोगों के दुख खत्म करेगा और हाँ जो लोग इस वाले एपिसोड से डिसअॉइंट हुए उनको मैं एक बात बताना चाहूंगा की देखो भाई ये वाला जो एपिसोड था वो बस हमको गेर फाइ से इंट्रोड्यूस कराने के लिए बनाएगा गया था जहाँ पर हमको फाइव एडर्ट ने बहुत बड़ा वाला रिवील कर दिया जहा पर हमको पता चला कि लूफी का जो गम गम फ्रूट है वो बेसिकली एक हिटो हिटो नोमी फ्रूट है जो की ह्यूमन ह्यूमन फ्रूट मॉडल निका और उसकी पावर्स के बारे में भी हमको थोड़ा बहुत दिखाया गया है जहाँ पर वो अपनी सराउंडिंग की चीजों को रबर में बना पा रहा था उसकी के बाद में। और ये जॉय बॉय का फ्रूट है इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट इस वाले फ्रूट के पीछे आठ सालों से पड़ी थी लेकिन ये वाला फ्रूट लुफी के पास में चला गया और इस वाले फ्रूट की जो पावर है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है उसके यूजर के इमेजिनेशन के ऊपर इस फाइट के टाइम में जो जो चीजें लूफी इमेजिन करेगी वो वो सारी सारी की चीज़ें कर पाएगा जैसे वो एकदम से बड़ा हो जाएगा और ऐसी बहुत सारी चीजें यार जो कि आगे आने एपिसोड के अंदर आपको पता चलेगी ये वाली फाइट तो कुछ ज्यादा लंबी चलने वाली है अगर आप इस वाले एपिसोड को जोरो किंग के एपिसोड से कंपेयर कर रहे होंगे तो आपसे बड़ा वाला बुद्ध कोई भी नहीं है क्योंकि जो किंग जोरो की फाइट थी वो एक ही एपिसोड के अंदर पूरी की पूरी खत्म हो गई थी और अभी लूफी काइडो की फाइट तो जस्ट हुई है जो कि लगभग डेढ़ महीने चलने वाली है और हाँ इन दोनों के दोनों फाइट की थीम कुछ ज्यादा अलग है जहा पर लूफी काइडो वाली फाइट काफी ज्यादा फनी होने वाली है और जोरो किंग की जो फाइट थी वो काफी ज्यादा सीरियस फाइट थी तो आ, गेर फाइ को बाकी अदर से कंपेयर मत करना उसका एनिमेशन बाकी सारी चीजें क्योंकि गेर फाइव के अंदर हमको कुछ ज्यादा कॉमेडी टाइप का एनिमेशन देखने को मिलने वाला है और आगे चल के बजरंग गन हो गया जायंट लुफी हो गया ऐसे बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है तो लुफी उसे की फाइट कुछ ज्यादा ही सीरियस होने वाली है कुछ ज्यादा तबाही होने वाली है ऐसा कुछ दिमाग में मत चलना आगे आने वाले एपिसोड के अंदर तबाही तो होने वाली लेकिन काफी ज्यादा अलग अंदर होने वाली है तो होपफुली मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे तो जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सायो नारा